जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मियां ज़ियाउर रहमान। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप सब दोस्तों ने फुल वॉच करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज हम जाएंगे बाहर। तो यार आपसे कुछ आइडिया लेना था कि मैं पेंट शर्ट पहनूँ या फिर शलवार कमीज या फिर कुर्ता। तो यार ये व्लॉग तो मैं पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद ही आपके पास वीडियो पहुंचेगी। और मैं तो पहले कपड़े पहन ही लूँगा, ये तो मैं सोचा नहीं था। चलो कुछ नहीं, आपको दिखाते हैं कि मैं क्या पहनूँ। ये कुर्ता पहनूँ, नो कुर्ता, ब्लैक सूट, ब्लैक पहन लेता हूँ। नहीं यार ब्लैक तो गर्मी करता है। कुर्ता कुर्ता ब्लैक, कुर्ता ब्लैक, चलो मैं लेता हूँ कुर्ता। और मैं जिस धोबी को कपड़े देता हूँ तो उसके पास है मेरा नंबर 786, मेरा पर्सनल नंबर है, नंबर के एंड में है 786, मेरा फ़ोन नंबर के एंड में भी 786 है। और सो फाइनली यार आपको पता तो है पाकिस्तान में तो वैसे ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जो हमारे सिटी में गर्मी है ना, अल्लाह माफ़ी यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आप सब दोस्तों को मैं बताता चलूँ मैं कौन से सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा गांव है और लोधरा में, और मैं मेरी फ़िलहाल रिहाइश है बहावलपुर में, सिटी ऑफ नवाब। और इंशाल्लाह इस पर भी एक मैं व्लॉग बनाऊंगा और आप सब दोस्तों से वो भी शेयर करूंगा कि बहावलपुर की हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ वो आपको बताऊंगा। और चलते हैं यार, एसी भी चलाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर नहाते हैं। यार पहले तो फ़ैन को ऑन करते हैं, हल्का सा फ़ैन भी चलाते हैं और फिर एसी को भी चलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह एसी की कूलिंग बहुत ही अच्छी है और ठंडा यक कर देता है कमरा। तो पहले फ़ैन को चला लेते हैं, फ़ैन डंडना डंडना, उसको उसकी स्पीड पर रखते हैं, स्पीड पर रख लिया। अब चलाते हैं एसी को, डंडना 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 डंडना, था ये हुआ ऑन। अब हमारा एसी ऑन हो चुका है, फाइनली एसी तो ऑन हो चुका है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर नहा के कपड़े चेंज करके और फिर चलेंगे बाहर। और बाहर जाकर कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे और आपको भी दिखाएंगे, आप भी इंजॉय करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। तो आपको मिलते हैं कुछ देर बाद, रेस्ट करने के बाद मिलेंगे। और प्लीज़ 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 यार आपसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपका व्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं भी लगता तो आपने प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताना, जिस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो बता दें, मैं करूँगा। फाइनली गाइस मैंने नहा लिया है और कुछ दोस्त भी नीचे आए हुए हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और मैं कंघा भी जब तक कर लेता हूँ और वो आपको मैं बताता चलूँ कि वो कौन है, कहाँ से हैं, सारा इंट्रोडक्शन भी उनका मैं एक दिन करवाऊँगा। और वो इतना सा मैं आपको बता दूँ कि वो टिकटॉक स्टार हैं, उनके टिकटॉक पर मैक्सिमम 2.1 होने वाले हैं। और सो फाइनली गाइस मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका मैंने आपको बताया था 2 मिलियन फॉलोवर हैं टिकटॉक पर। हाय तो कर दो। ये है वो सरफराज भाई जिनका मैंने आपको बताया था, इनके 2M हैं टिकटॉक पर। और ये बच्चों वाले गेमें खेल रहे हैं, ये देखें बच्चे के साथ, बोल दीजिए यार, देखते हैं कौन जीतता है। वैसे तो हारे पड़े हैं। डंडना 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 डंडना, कौन जीता है, कौन जीता है? फाइनल राउंड है, चलो फाइनल राउंड भी लाइक ले, चलो कोई नहीं फाइनल राउंड। सो फाइनली गाइज अब हम खाने जा रहे हैं। तो कल हम नहीं जा सके थे, तो यार कल एक फंक्शन था वहाँ पर हम चले गए थे सरफराज भाई के साथ। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, आपको मैंने कहा था कुछ खाने जाएंगे लेकिन अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग को नीचे स्टार्ट कर दो और आपको दिखा दूँ।
फाइनली गाइस यार आपको एक अफसोसनाक न्यूज़ सुनाता हूँ कि यार हम होटल पर पहुँच गए थे और वहाँ पर आर्डर भी दे दिया था, सारा कुछ हो गया था। जब मैंने वैसे यहाँ से प्लान सोचा था कि जब यार खाना आएगा तभी मैं ब्लॉग को ना स्टार्ट करूँगा। जब यार खाना आया ना, कढ़ाई थी यार, देखते ही ऐसा दिल ख़राब हुआ कि ब्लॉग याद ही नहीं रहा। और खाते खाते जब मैंने एंड किया और बोतल का पिया थोड़ा सा, फिर मुझे याद आया यार मैंने ब्लॉग भी बनाना था, लेकिन यार मैं ब्लॉग बनाता भूल गया। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा घच मच वाला ब्लॉग था, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा। और यार आपने सपोर्ट करनी, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा। ओके सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। और आप सब दोस्तों से सिर्फ मैंने एक बात पूछनी है और मैं हर ब्लॉग में पूछूंगा कि ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या मेरी हैबिट है, वो आप अगले ब्लॉग्स में भी मुझे बताना और इस ब्लॉग में प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बता देना। ओके अल्लाह हाफिज़, आप सब दोस्तों ने सपोर्ट करनी है, अल्लाह करे आप सब खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। ओके अल्लाह हाफिज़।